दोस्तों आरआरबी एलपी एग्जाम 2018 का 10 अगस्त का शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट खत्म हो चुका है। ओके दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने भी जीके के क्वेश्चन आए थे, ओके जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन आए थे पूरा डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के साथ। ओके लगभग हम 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके वो भी सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के आने वाले जितने भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा, तुरंत ही मैथ के क्वेश्चन इसके बाद अपलोड करूंगा, वो सब आपको पहले नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों इसके लिए हमने बड़ी मेहनत कर रहा है, एक टीम बनाया है, सब एग्जाम सेंटर में ही है, वहां से क्वेश्चन भेज रहे हैं। ओके मैं यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ, ओके जितने दिन भी आरआरबी के एग्जाम चलेंगे। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं आज के कितने क्वेश्चन आए थे। ओके लगभग साइंस का क्वेश्चन 15 से 16 क्वेश्चन आया था, करंट अफेयर के 5-10 क्वेश्चन आए थे। ओके तो चलिए सब डिस्कस करते हैं जितने भी मेरे पास हैं, सब चलिए सब डिस्कस करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2018 में किसने जीता था। ओके चैंपियंस ट्रॉफी 2018 में किसने जीता था, दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ओके जिसने भी ऑस्ट्रेलिया क्लिक करके आए हैं उनका सही है। ओके और मलेशियन ओपन बैडमिंटन सिंगल, ओके मलेशियन ओपन बैडमिंटन सिंगल किसने जीता है, दोस्तों इसका आंसर होगा ली चंग उई। ओके मलेशियन ओपन बैडमिंटन सिंगल किसने जीता है, ली चंग उई। ओके और दोस्तों भारत का सबसे संक्रामक रोग कौन सा है, सबसे मतलब ज्यादा संक्रामक रोग कौन सा है, दोस्तों इसका आंसर होगा रैबिस। अभी ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश किया था। ओके ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ओके तीनों के तीनों करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ओके दोस्तों अभी साइंस का क्वेश्चन बोले तो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल आया था। ओके फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, मेंडेलीफ है। ओके और दोस्तों एक किताब आया था, ओके द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ओके द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किताब का लेखक कौन है, दोस्तों ये अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ था ये बुक। ओके अरुंधति रॉय, इसका आंसर होगा अरुंधति रॉय। ओके दोस्तों ओके चलिए फिर देखते हैं। हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन आया था कि मुटुंगा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है। ओके मुटुंगा रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, दोस्तों इसका आंसर होगा मुंबई में है, मुंबई के महाराष्ट्र में है। ओके और दोस्तों इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे, ईपीआई 2018 में भारत का स्थान क्या है। ओके ईपीआई 2018 में भारत का स्थान क्या है, इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे, इसका आंसर होगा 177। ओके और दोस्तों और भी एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया था, ओके श्री देवेंद्र झाझरिया, ओके श्री देवेंद्र झाझरिया किस स्पोर्ट्स से, मतलब इनका रिलेशन किस स्पोर्ट्स से, दोस्तों इसका आंसर होगा पारा एथलेट। ओके पारा एथलेट इसका आंसर होगा। और हाँ दोस्तों मैथ के क्वेश्चन भी आ चुके हैं, ओके व्हाट्सएप में आ चुके हैं, मैंने ये वीडियो अपलोड करने के बाद भी मैथ का क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। ओके इसलिए जल्दी नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। ओके दोस्तों और एक क्वेश्चन आया था, ध्यानचंद अवार्ड अभी लेटेस्ट किसको मिला है। ओके मतलब हाल ही में ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला है, दोस्तों इसका आंसर होगा कुछ ऑप्शन थे उसमें से भूपेंद्र सिंह आंसर होगा। ओके दोस्तों ये क्वेश्चन आया था कि मैन बुकर प्राइज अभी हाल ही में किसको मिला है, मैन बुकर प्राइज किसको मिला है, डेविड ग्रॉसमैन, इसका आंसर होगा डेविड ग्रॉसमैन। दोस्तों साइंस के भी इजी क्वेश्चन आए थे कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है। ओके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है बताइए, इसका आंसर होगा NaCl। ओके NaCl। ओके हाँ दोस्तों आज भी चीफ मिनिस्टर के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, मैंने एक वीडियो बनाया था कल, ओके उसमें बताया था कि क्वेश्चन जरूर आएंगे चीफ मिनिस्टर से, गवर्नर से और मिलिट्री एक्सरसाइज से। देखिए आपके सामने भी क्वेश्चन आए हैं। ओके नागालैंड का चीफ मिनिस्टर कौन है, नेफ्यू रियो। ओके कौन है, नेफ्यू रियो। ओके और एक क्वेश्चन आया था कि प्रोटॉन का डिस्कवर कौन किया था। ओके प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है, उसका डिस्कवर किसने किया था, दोस्तों इसका आंसर होगा रदरफोर्ड ने इसका डिस्कवर किया था। ओके दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए आपके और भी कुछ क्वेश्चन याद हैं तो। ओके लगभग 30 क्वेश्चन आए थे, 30 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे जीके का क्वेश्चन, मेरे पास सिर्फ 20 क्वेश्चन पहुंचे हैं अब तक। ओके तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरी डैम कहाँ पे है, उरी डैम कहाँ पे स्थित है, दोस्तों इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ओके कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर पे स्थित है। ओके हाँ दोस्तों और एक क्वेश्चन आया था कि डीआरडीओ का, ओके डीआरडीओ का डायरेक्टर जनरल कौन है, दोस्तों इसका आंसर होगा अविनाश चंदर। कौन है, अविनाश चंदर। दोस्तों मैंने बोला था कि एसआई यूनिट के से भी क्वेश्चन आएंगे, देखिए आपके सामने ये भी क्वेश्चन आया था कि इंपल्स, इंपल्स का एसआई यूनिट क्या है, इसका आंसर होगा न्यूटन सेकेंड, अगर आपने
न्यूटन सेकंड पे क्लिक करके आए हैं, तो आपका आंसर सही होगा। ओके, इंपल्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड। हाँ दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ओके, कि रेडियो कार्बन डेटिंग आया था एग्जाम में। ओके, रेडियो कार्बन डेटिंग का में कौन सा किरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओके, रेडियो कार्बन डेटिंग में कौन सा किरण का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा कस्मिक, कस्मिक रे या अंतरिक्ष, इसको हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष किरण। ओके, और इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मिक रे। ओके, हाँ दोस्तों, और भी क्वेश्चन आए थे कि ओडिशा एक स्टेट का नाम है, ओडिशा स्टेट का राज्यपाल कौन है? ओके, अभी हाल ही में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। ओके, लगभग दो महीने से पहले, देखिए करंट अफेयर से जाएगा ये। ओके, ओडिशा स्टेट का राज्यपाल अभी कौन है? इसका आंसर होगा गणेशी लाल। ओके, गणेशी लाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है CaOCl2 का सामान्य नाम, मतलब एक इसका सामान्य नाम है। ओके, इसका आंसर होगा दोस्तों बिरंजक चून, हिंदी में बोले तो, और इंग्लिश में बोले तो इसका आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ब्लीचिंग पाउडर, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन था। दोस्तों साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ओके, लगभग 20 क्वेश्चन आए थे, उसमें से काफ़ी सब आसान थे, लेकिन 20 में से आपको मिनिमम 15 तो ठीक करना है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, अच्छा मार्क्स चाहते हैं तो। ओके, तो बिरंजक चून, ब्लीचिंग, सॉरी, ये वाला क्वेश्चन, आंट में, ओके, चींटी में कौन सा अम्ल होता है? ओके, चींटी के अंदर कौन सा अम्ल होता है? चींटी जब हमें काटता है तो हमें दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि उसके पास एक अम्ल होता है, उस अम्ल का नाम क्या है? ओके, दोस्तों इसका आंसर होगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ओके, FORMIC एसिड। ओके, फॉर्मिक एसिड दोस्तों, इसको आप फॉर्मूला बोले तो CHOOH। ओके, CHOOH। ओके दोस्तों, और दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है। ओके, ये आखिरी क्वेश्चन है कि कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, ओके, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? ओके, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? एस्बेस्टस का है। ओके, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट किसका केमिकल फॉर्मूला है? एस्बेस्टस का। दोस्तों साइंस का और भी क्वेश्चन है, सॉरी। ओके, यहाँ पे प्रोटीन का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, PROTEIN होगा। ओके, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? ओके, सेल के अंदर, किसी कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? दोस्तों इसका आंसर होगा RNA। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके दोस्तों, और भी क्वेश्चन आए थे साइंस के, किसने विकास सिद्धांत, ओके, विकास के सिद्धांत, इसको इंग्लिश में बोले तो इवोल्यूशनरी लॉ ऑफ इवोल्यूशनरी या ऐसे कुछ है, रूल्स ऑफ एवोल्यूशन। ओके, इस तरह के कुछ है, इसको किसने दिया था? ओके, इसका आंसर होगा दोस्तों डार्विन ने। ओके, डार्विन ने विकास के सिद्धांत के लॉ दिए थे। ओके, और आखिरी क्वेश्चन है, ये आखिरी क्वेश्चन है। ओके, किस प्रदूषक के द्वारा, ओके दोस्तों, किस प्रदूषक के द्वारा ब्रुकक, जो एक रोग का नाम है, ब्रुकक रोग होता है? किस प्रदूषक के द्वारा ब्रुकक रोग होता है? दोस्तों इसका आंसर होगा कैडमियम। ओके, कैडमियम। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन मुझे अब तक मिले हैं, और भी क्वेश्चन अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं और एक वीडियो बना करके उसमें आपको बता दूंगा। ओके दोस्तों, इसके बाद मैंने अभी मैथ का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। ओके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों मैंने व्हाट्सएप में सब आ चुका है। ओके, आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे सकते हैं मुझे कमेंट में, मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इसको प्लीज़ शेयर कर लीजिए। ओके, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके।